हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना दोस्त रवि कुमार। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर हम अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन का यूज करके हम किन किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, तो इस पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू। सबसे पहले दोस्तों, हम गूगल में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सर्च करेंगे। सबसे पहली साइट www.maavaishnodevi.org को हम ओपन करेंगे। इसमें हम लास्ट ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, तो हमें सबसे पहले ये हमें इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसमें हमारे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल में आरोग्य सेतु होना चाहिए, फेस मास्क हमें फेस कवर हमेशा लगा के रखने हैं, जिनका नेगेटिव रिपोर्ट होगी वही वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं, और बहुत सारी बातें हैं वो हम पढ़ के टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड फिल करेंगे। जिन दोस्तों को ये नहीं पता हम यूजर नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट करें, तो उसके लिए ऊपर आ रहे आई बटन पर मेरी पुरानी वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में अपनी आईडी कैसे क्रिएट करें, उसको जाकर देखें। तो मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड इसमें फिल कर लेता हूँ। यूजर नेम पासवर्ड फिल करने के बाद हमारा होम पेज ऑनलाइन सर्विसेज का हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहला हमें ऑप्शन मिलता है डोनेट ऑनलाइन। जो श्रद्धालु अभी वैष्णो देवी में अपने दर्शन करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वो घर बैठे अपना यहाँ से दान पात्र में अपना दान भेज सकते हैं। उसके लिए हमें 100 के मल्टीपल में अमाउंट भरना होगा। जैसे 200 रुपये मैं कर दिखाता हूँ आपको डोनेट नाउ, तो इसमें एड्रेस आ जाएगा, कैप्चा भरना और पे नाउ के ऑप्शन के बाद हमें दिख जाएगा कि हम अपना पेमेंट गेटवे से इसमें दान भेज सकते हैं। अगला ऑप्शन है यात्रा पर्ची। दोस्तों यात्रा पर्ची, जो हम यात्रा पर्ची कटरा में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो यात्रा पर्ची हम अवेलेबल बहुत पहले ही अपनी डेट के हिसाब से 3 महीने एडवांस तक हम इसमें बुक करके रख सकते हैं, और हमें तुरंत ही यात्रा पर्ची जनरेट होके मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक बार में 5 से ज़्यादा श्रद्धालु की हम यात्रा पर्ची नहीं जनरेट कर सकते। अगर 5 से ज़्यादा हमें जनरेट करनी है, तो उसके लिए हमें एक अलग आईडी क्रिएट करनी होगी। अगला ऑप्शन हमें मिलता है अटका आरती दर्शन। इसमें सुबह और शाम को 100 लोगों को आरती में शामिल होने का मौका मिलता है, लेकिन आरती में शामिल होने के लिए 2,000 रुपये पर व्यक्ति फीस रखी गई है, जिस फीस के बाद हम शामिल हो सकते हैं आरती में। लेकिन ध्यान देने के लिए बात ये है, अगर हम क्रेडिट और डेबिट से ये पेमेंट करते हैं, तो हमें साथ में ओरिजिनल लेके जाना होता है, उसके बिना हम अंदर नहीं जा पाएंगे। अगला ऑप्शन है हेलीकॉप्टर सर्विसेज। दोस्तों कटरा से सांझी छत तक के लिए 2 कंपनियाँ हिमालयन और ग्लोबल वैक्ट्रक सर्विस प्रोवाइड करती है हेलीकॉप्टर की। कटरा सांझी छत कटरा आना और जाना अगर हम देखें दोस्तों, तो इसमें हमें 2,428.56 रुपये एक व्यक्ति का किराया है, जो कि GST के बाद 3,600 रुपये बन जाता है एक व्यक्ति का आना और जाना हेलीकॉप्टर में। और अगर हम बात करें सिर्फ जाने की और या आने की, तो हमारा एक बंदे का किराया बनता है 1,714.28 रुपये विदाउट GST। तो दोस्तों ये 1,800 रुपये विद GST हमारा किराया बन जाता है। तो हम अपनी श्रद्धा अनुसार अगर कोई हेलीकॉप्टर से ऊपर जाना घूम के आना चाहता है, तो हेलीकॉप्टर में भी अपनी यात्रा पूरी कर सकता है। अगला ऑप्शन है रूम बुकिंग। दोस्तों बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम भवन में, अर्धकुंवारी में और कटरा में रूम और डॉर्मेट्री की फैसिलिटी, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस के रखी गई है, वो 120 रुपये है डॉर्मेट्री का, और 150 रुपये दो फीस रखी गई है में हम बुक कर सकते हैं रूम और डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं 120 रुपये में, और रूम का किराया रखा है 900 रुपये डबल बेड का, और 4 बेड का है 1,294.64 रुपये, और GST है 155.36 रुपये, जो कि हम पहले से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों रूम और डॉर्मेट्री हमें कभी भी वहां पर अवेलेबल नहीं होता, इसके लिए हमें हमेशा ऑनलाइन ही बुक करना पड़ता है। तो अपनी यात्रा में को सुगम बनाने के लिए हमेशा अपना रूम और या डॉर्मेट्री बुक करके ही घर से जाएँ।
अगला है इंडिविजुअल पूजन। ये 2100-11000 की दो कैटेगरी हैं, इसमें हम यज्ञ में शामिल हो सकते हैं जो हमारे नाम का हवन करवाया जाता है वहाँ पर। अगला है SSV पूजन, इसमें सुबह और शाम 3 लोगों को मौका मिलता है माँ की आरती अपने हाथों से करने के लिए, लेकिन इसकी फ़ीस 26,000 रुपये और किसी किसी दिन में 35,000 रुपये रखी गई हैं। जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी की आरती अपने हाथों से करना चाहते हैं वो अपनी बुकिंग करके वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी सेम कैटेगरी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड हमेशा अपने साथ ओरिजिनल लेके जाएँ जिससे हमने पेमेंट की हुई है। दोस्तों जहाँ पर भी हमें पैसे की बात है वो हमेशा हमें कैरी करना ओरिजिनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अगर हम पेमेंट करते हैं तो। लास्ट ऑप्शन हमें मिलता है भेंट और प्रसाद, इसमें दोस्तों अभी हम घर बैठे वैष्णो देवी से प्रसाद मंगवा सकते हैं। प्रसाद की 3 कैटेगरी रखी गई है, 500 रुपये, 1100 रुपये और 2100 रुपये। तो हम अपनी श्रद्धा अनुसार 500, 1100 और 2100 में से अपना प्रसाद घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं जो कि हमें घर बैठे ही डिलीवर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें जिनको आप भी उपयोग में ला के अपनी यात्रा को बहुत सरल एवं सुगम बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।